दिल्ली गवर्नमेंट ने उनका मामला टेकअप किया था, ये नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, उनकी बात ये मानी हुई है जी। तो अब तो यही तरीका हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट या तो शॉर्ट टर्म लोन इनको दे दे ताकि ये वो पैसा पे कर सके जी, या बैंकों से ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें। अगर दिल्ली गवर्नमेंट भी हॉस्टाइल स्टैंड ले लेगी, और ये कंपनियां पहले से ही हॉस्टाइल हैं, नाराज हैं, तो दिल्ली के लोग ही सफर करेंगे ना। सैगल साहब, क्या दिल्ली सरकार क्या गारंटी दे सकती है? दिल्ली सरकार अगर इनको लोन नहीं मिल रहा है, दिल्ली सरकार गारंटी तो दे सकती है बैंक को, ताकि जो शॉर्ट टर्म लोन की आप बात करें, कम से कम ये मुसीबत दिल्ली वालों के ऊपर कल से ना आए। नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट गारंटी नहीं दे सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास शायद ये पावर भी नहीं है गारंटी देने की, और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि वो ये गारंटी दें। आफ्टरऑल पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने थोड़ी देना है, तो दिल्ली के कंज्यूमर्स ने देना है जो बिजली यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने देना। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट ने अगर एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी रिजेक्ट हो गई है, तो उसको मामले को फर्दर प्रस्यू करना चाहिए। पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मामला टेकअप करें कि ये हर साल की बात है, ये कोई नई चीज नहीं है, इतने बड़े एरियर बन रहे हैं, कम से कम हफ्ते 10 दिन का टाइम दीजिए, हम इस मामले को कंसीडर कर सकें। दिल्ली में एक नई सरकार आई हुई है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, एनटीपीसी को कहे कि आप इतना ज्यादा इसके ऊपर बिजनेसमैन मत बनिए, थोड़ा सा कैपिटल सिटी है ये, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नुकसान है। बिल्कुल। और आप सोचिए कि अगर आप बिजली, हालांकि विंटर का टाइम है ये, मगर बिजली बंद हो जाती है तो पावर सप्लाई जो मेट्रो का इफेक्ट होगा, जो आपकी पानी की सप्लाई है वो इफेक्ट होगी। बिल्कुल। तो एक पूरी दिल्ली ठप होती हुई दिखाई देगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बरखा सिंह जी, क्या कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार, और आप चूंकि आज बिना किसी शर्त के समर्थन भी दे रही है दिल्ली सरकार को, तो क्या आप आम आदमी की भावनाओं को समझते हुए केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगी? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आम आदमी की इस मुश्किल को दूर करने की पहल कर सकते हैं, या हमें लगता है कि यहां पर भी राजनीति होगी? देखिए, इसमें क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले और केजरीवाल जी हर बात में राजनीति करते हैं जी। इनकी आदत है हर चीज में राजनीति करने की। हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग राजनीति अगर करते होते तो इनको समर्थन नहीं देते। राजनीति हमें जो भी बोल रहे थे कि बरखा सिंह स्पोक्स पर्सन बन के बैठी है, तो बरखा सिंह कोई गलत काम नहीं कर रही, कोई डाका नहीं डाल रही, कोई चोरी नहीं कर रही है जी। कोई एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि कोई स्पोक्स पर्सन या किसी पार्टी की सदस्य जो है वो चेयरपर्सन नहीं हो सकती। अगर आपको एक्ट बदलवाने हैं तो आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और उसके बाद उनके एक्ट के में बदलाव लाइए, तब ये कहिए इस बात को। लेकिन आप ये तो बताइए कि आप कम से कम आपको देश की राजधानी है, देश की राजधानी में बिजली गुल हो जाएगी, आप समझिए कितनी बड़ी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो सकती है। क्या आपके बिजली मंत्री एक एनटीपीसी को इशारा करेंगे कि भैया ये क्या आपने तरीका, पूरे देश का डेट रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और 200 करोड़ के लिए आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 10 घंटे पावर कट हो जाएगा? नहीं, ऐसा है, मैं बता कह रही हूँ, आपसे बोलने तो दीजिए आप। ये ऊपर मंत्रिमंडल बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे, और यहाँ से अगर ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे, तो जरूर वो लोग देखेंगे, बात करेंगे आपस में, क्यों नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता को सफर नहीं होने दिया जाएगा, और दिल्ली की जनता अगर सफर करेगी तो इनकी वजह से करेगी। बिल्कुल। तो इन्होंने बड़े बड़े प्रोग्रेसिव बिजली कंपनियों की वजह से करेगी ना, झूठे जिन बिजली कंपनियों को इतने दिन से आप लोग बचा के चल रहे थे, उन बिजली कंपनियों की वजह से सफर करेगी। देखिए नितिन जी, ये मौका माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा नितिन जी, मैं नितिन जी, बरखा जी माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम सिर्फ आम आदमी की बात करें, अगर आप लोग आपस में इतनी कटुता रखेंगे तो जाहिर सी बात इसका रास्ता नहीं निकल सकेगा। जगदीश मुखी जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब मौका आ गया है जबकि हर किसी को मिलकर इस संकट से निपटने का रास्ता देखना चाहिए, या यहाँ पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरी आपसे एक निवेदन जरूर है जी। आप समस्या की एक पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मूल में नहीं जा रहे हैं। आपको मूल में जाने की आवश्यकता है। ये जो प्रॉब्लम सारी खड़ी हुई हैं वो इस कारण खड़ी हुई हैं कि कांग्रेस की सरकार ने इन कंपनियों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। 12,500 करोड़ रुपये का घपला किया था, ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिया था जी। और जब तक हम उन चीजों के अंदर नहीं जाते जो इनकी शर्तें थी निजीकरण की, एक तरफा थी, उनको जब तक रिव्यू करने की बात नहीं करते, इन कंपनियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था
कि जहां जहां देश के अंदर जिस जिस राज्य के अंदर बिजली का निजीकरण किया गया, आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना क्या चाहिए अभी। मैं निवेदन कर रहा हूं ना आपसे, मैं मूल में जा रहा हूं, पहले इनको कंपनी का जो है रिव्यू करने की आवश्यकता है। और IIPSA रिव्यू कराया था हर स्टेट ने, और श्रीमती शीला दीक्षित ने अपने पद का उपयोग करते हुए या दुरुपयोग करते हुए ये रिव्यू नहीं होने दिया था। वो बात सारी सही है, अभी क्या रास्ता है? सुचिता आए, अभी क्या रास्ता है? आप कह रहे हैं घपला हुआ, ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है, CAG उसकी जांच करिए। बुनियादी सवाल ये है जगदीश मुखी साहब, अभी रास्ता क्या बचता है? आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को परस्यू करना चाहिए ऊर्जा मंत्री से ये पूरा मैटर की, साहब NTPC को कहिए और बिजली लगातार जारी रखे देना? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित रूप से वे आउट निकालने की आवश्यकता है। नहीं, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी कर रही है और बिजली मंत्री से भी बात करी जाएगी। वे आउट निकालने का तरीका जो बात करी जाएगी वो यही है कि सरकार, मेरी बात पूरी होने दें जरा, मैं ये कह रहा हूं कि आप केंद्र सरकार को इंटरवीन करने के लिए केजरीवाल साहब लिखें, और जो ये कंपनियां कह रही हैं कि हम स्थिति में नहीं है, वास्तव में दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, क्योंकि उन्होंने NTPC का पैसा देना है बिजली की उत्पादक कंपनियों का 2500 करोड़ रुपए देना है, नहीं दिया, इसलिए रोकने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, पब्लिक को सफर नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए यही मुद्दा आज सबसे बड़ा है मुखी साहब, कि आम दिल्ली की जनता को क्या वाकई में राजनीति या फिर कंपनी की इन तमाम आम ट्विस्टिंग टैक्टिक की वजह से आज बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आपको एक छोटी रिपोर्ट दिखाते हैं। नहीं उठाना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं उठा देना चाहिए, और यही मसला है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बिजली कटौती के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार किस तरीके से पलटवार की तैयारी में है। आइए आपको दिखाएं ये छोटी सी रिपोर्ट। बिजली कंपनियां सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं। ऑडिट से बचने के लिए बिजली कंपनियां सप्लाई रोकने की बात कह रही हैं। ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल के मुताबिक CAG के ऑडिट से बचने के लिए बिजली कंपनियां लोगों में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। आज जो खबरें छपी हैं बिजली की कटौती के बारे में वो बिल्कुल गलत है। बिजली की कोई कटौती नहीं होने वाली है, लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से ये फ्यूचर में जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगी तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर बिजली कंपनियों ने सरकार के साथ सहयोग नहीं किया तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। दूसरा, इनके अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे थे। CAG का ऑडिट ऑर्डर किया गया है, CAG के ऑडिट की रिपोर्ट आ जाए, उनको कॉपरेट करना चाहिए। पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ये लोग, इससे और एक शक पैदा होता है कि इनके अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ तो नहीं है। तो सरकार चुप नहीं बैठने वाली, अगर ये ज्यादा वो करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल करने में सरकार हिचकिचाएगी नहीं और दूसरी कंपनियां ले आएंगी। देश के अंदर केवल 2 कंपनियां नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता भी CM साहब के साथ सुर से सुर मिलाते दिखे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा अगर कंपनियों ने पावर कट करवाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। केवल बिजली नहीं कटेगी, कंपनियों का लाइसेंस भी कट सकता है। 1 महीने में कि अरविंद केजरीवाल ने पैसा खा लिया है, अब तक क्यों नहीं कटी बिजली? आज तक पैसा था कंपनी के पास, और जब उसके ऑडिट करने का ऑर्डर आ गया तो पैसा खत्म हो गया, रातों रात पैसा गायब हो गया। ये जो नौटंकी करने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने की, उस पर सरकार झुकने वाली नहीं है। अगर कंपनियों ने ठीक से अगर अपने आदमी को नहीं बढ़ाया तो कड़े फैसले करे जाएंगे। वहीं संजय सिंह ने भी बिजली कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनियों का काम बिजली देना है न कि बिजली काटना। दिल्ली की जनता को पूरी बिजली मिलनी चाहिए और वो बिजली उन्हें देना पड़ेगा जैसे अब तक देते रहे हैं। जो गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी की बात कही गई वो 3 महीने के लिए, जब तक जांच चल रही है तब तक के लिए कही गई है, तो उसकी फॉर्मेलिटी सरकार की ओर से पूरी की जाएगी। और उसमें होती है तब ऐसे में क्या कटौती नहीं होने दिया जाएगा, कटौती करके जनता को परेशानी थोड़ी होने दी जाएगी। इस पे सरकार और मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच की तनातनी उस मोड़ पर पहुंच गई है जिसके बीच में दिल्ली का आम आदमी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। लेकिन BSES क्या कहता है? उसका ये कहना है कि साहब हम बेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट दुनिया में दे रहे हैं, देश में दे रहे हैं। दूसरा उनका कहना है कि हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है 57% नीचे लेके आए हैं, और इससे ज्यादा हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट 45% नीचे घटाई है। लेकिन जनता क्या कहती है? पांडव नगर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जनता के साथ वहां मौजूद है। रिजवान जरा बताइए लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कल से जिस तरह की बात सामने आई है उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन है?
जी देखिए, जिस तरह से बात सामने आई है, 8-10 घंटे की बिजली कटौती की बात की जा रही है, इससे लोगों की क्या परेशानी होगी, हम खुद लोगों से ही जानते हैं।